गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सुख उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, वो दिन जिस दिन श्रद्धा हमारी लहलहाती है अपने गुरु के चरणों में, आज आत्म अनुशासन का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, आत्म अनुशासन का दिन और श्रद्धा के आरोहण और आरोपण का दिन। प्रोफेसर सुब्रतो को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ नए ढंग से सिखाने की आदत थी। उनको अच्छा लगता था कि अपने विद्यार्थियों को हम नए नए ढंग से सिखाएं। उन्होंने एक दिन विद्यार्थियों को ले जाकर अपने कॉलेज के प्रांगण में खड़ा कर दिया। कह लगे, देखो बच्चों क्या हो रहा है। देखा तो बहुत सारे बंदर उत्पात मचा रहे थे। कोई उछल रहा था, कोई कूद रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई किसी की पूँछ पकड़ रहा था, कोई किसी के कान पकड़ रहा था। ये देख के बच्चे हंसने लगे। इतने में ही प्रोफेसर सुब्रतो जो थे अपने साथ एक चने की बोरी लेके आए। उन्होंने चने फैला दिए। चने फैला दिए तो सारे बंदर चने के पास में आ गए और मुट्ठी भर भर के खाने लगे। खाते खाते कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया। ऐसे में जिस बंदर के हाथ में जो आया, एक ने दोनों मुट्ठी भरी, पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन एक बंदर ऐसा था जिसके हाथ से एक चना नीचे गिरा। अब उसने सोचा कहीं दूसरा बंदर खा नहीं जाए, इसलिए वो तुरंत कूदा तो बाकी चने भी कूद गए। अब बाकी चने भी गिर गए तो बाकी बंदरों ने बाकी चने खाना शुरू कर दिए, लेकिन वो बंदर खिसियाता रह गया। जो हाथ में आया सो तो ठीक, जो नहीं आया सो ठीक। ये देखे बच्चे और भी हंसे। प्रोफेसर सुब्रतो ने पूछा, बच्चों तुमको क्या बात समझ में आई? बच्चे क्लासरूम में गए, उन्होंने अपनी अपनी ढंग से कुछ कुछ बताया। प्रोफेसर साहब बोलने लगे, बेटा बंदर हमको एक सीख देते हैं। क्या कहते हैं, ये जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, ये चने की जैसी हैं जो हमारी मुट्ठी में बंद हैं। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान जाता है जो हमारी मुट्ठी में नहीं है, और उसी एक चने के पीछे बंदर लपकते रहे और जो थी वो भी गंवा बैठे। आज हमारी स्थिति भी ठीक उसी तरह से है, जैसे हमारे हाथ में उपलब्धियों का खजाना है और हम व्यर्थ में समय कहाँ गंवाते हैं। हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ऐसा कर लें कि वैसा कर लें, लेकिन जो हाथ में है, जो उपलब्धियाँ हैं, उसका हम सही उपयोग कर पाते हैं, हम सही उपयोग नहीं कर पाते। जिस दिन ये ज्ञान मिल जाता है, उस दिन जीवन जीने की एक कला का एक स्वरूप निखर के आ जाता है। और ये ज्ञान कौन देता है? ये ज्ञान गुरु के अलावा, सद्गुरु के अलावा और कोई दे सकता है? और कोई नहीं दे सकता। मानव शरीर में बहुत सारी विशेषताएं, विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी हैं। मानव में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें दूसरे जीव जंतु बिना किसी मदद के अपने आप कर लेते हैं, लेकिन मानव के बच्चे को किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। वो होते ही ना अपने आप खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। उसको हर पल दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब जो उसको समझ में आ जाता है, जो पास मिल जाता है, उसे जो सीख लेता है सो हो जाता है। इस वातावरण में भी अच्छे तत्वों की तुलना में बुरे तत्व ज़्यादा हैं, और वही बच्चे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के साथ साथ उसके मस्तिष्क पर वो विचार प्रवाह जमने लगते हैं, और उनको उनकी ओर देख देख के वो भी वही सीखने लग जाता है। जो सीखता है वही बनने लग जाता है। ऐसे में हमारे ऋषियों मुनियों ने
एक बात का चिंतन किया कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो मानव मन की गहराइयों के बारे में जानता हो और मनोविज्ञान समझता हो और बाल मन की जितनी भी दुविधाएं हैं उनको दूर करके सही रास्ता दिखा सकता हो। बहुत चिंतन करने के बाद उनको समझ में आया कि इस मानव के विकास में तीन तरह की शक्तियां काम करती हैं, एक माता, एक पिता और एक गुरु। माता जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा का रूप है, पिता पालन करता है इसलिए विष्णु रूप है, पिता गुरु मार्गदर्शक है इसलिए महेश है। ये तत्व जिस दिन सामने आते हैं उस दिन जीवन का कायाकल्प होना शुरू होता है। गुरु जो है वो अपने शिष्य के अंदर की हर चीज़ पर ध्यान देता है, कैसे उसका विकास होना है, कहाँ उसकी कमी है, कहाँ उसको घटाना है, कहाँ उसको बढ़ाना है। इसीलिए गुरु शब्द इस्तेमाल किया गया। गुरु दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक गु और एक रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। और सही मार्गदर्शक, सही गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दे तब भी उसको भटकने न दे, जहाँ भटकन आए वहाँ से उसको लौटा के ले आए। ऋषि अश्वलेन को इस बात का बड़ा गर्व था कि उनके विद्यार्थी शहर के बड़े बड़े औहदों पर हैं। कोई मंत्री बना है, कोई सेनापति बना है, कोई अमात्य बना है, कोई सरपंच बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। वो कहते थे मेरे पढ़ाए विद्यार्थी हर जो है ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हैं। लेकिन एक दिन उनको सुनने में आया कि उनका पढ़ाया एक विद्यार्थी दस्यु बन गया है, डकैत बन गया है, जो मारकाट करता है। ऋषि अश्वारण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि शिष्य को रास्ते पर लाना ही चाहिए। बोले मैं जाऊंगा अपने शिष्य को रास्ते पर लाने के लिए। उनके बाकी शिष्यों ने मना किया, बोले आप मत जाइए, इस समय वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, वो लूटने में जो देखता है उसको मार देता है उठा के। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा ज़रूर। ऋषि अश्वलन चल दिए। चलते चलते जंगल में वहाँ पहुँचे जहाँ उनके शिष्य जो डकैत बन गया था उसका नाम था देवव्रत, उसका वहाँ पर ठिकाना था। आगे बढ़ता गया, रात अंधेरी थी, बारिश भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी तेजों से। उन्हें देखा डकैत ने कि कोई आकृति आ रही है। उन्हें कहा पथिक वहीं रुक जाओ। वो कुछ नहीं बोले, अश्वारण फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े तो फिर देवव्रत ने कहा पथिक रुक जाओ, आप जो भी कोई हैं, नहीं तो मेरी तलवार उठ के आप पे वार कर देगी। उसके बाद भी अश्वारण रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। अगली बार देवव्रत की तलवार उठी और महर्षि देवा अश्वलन के माथे से लेकर सिर तक पूरी चीरती हुई निकल गई। उन एकदम धड़ाक से गिरे, खून की धारा बह निकली। जब बिजली चमकी तो देवव्रत ने देखा तो भौचक कर रह गया, कहने गुरुदेव आपने पहले क्यों नहीं बताया था, मैं खुद ही आपके पास आया था। गुरुदेव कहने लगे बेटा मेरे ही शिक्षण में कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से आज तुम इस रास्ते पर निकले हो। मेरे बताए शिष्य, हर शिष्य श्रेष्ठ रास्ते पर है, लेकिन मेरा शिष्य एक भी भटकता है तो मुझे पीड़ा होती है। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आज मैंने भरपूर कोशिश की है, मुझे उम्मीद है मेरा शिष्य भटकेगा नहीं। इतिहास साक्षी है वो देवव्रत वहाँ से वापस आए और अपनी सारी बुराइयाँ छोड़ने के बाद ऋषि अश्वलन के आश्रम को उन्होंने ही संभाला। अगले उत्तराधिकारी के रूप में वो ही नियुक्त किए गए। उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। लौकिक विद्याएं तो हमें कोई भी दे सकता है, लेकिन आत्म विकास की विधा केवल हमें सद्गुरु ही दे सकते हैं। सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब रत्नाकर को कौन जान पाता अगर ऋषि नारद न मिले होते, एकलव्य को कौन जान पाता अगर द्रोणाचार्य न मिले होते। और जितने भी गुरु हैं, वो जितने भी शिष्य हैं, चाहे उनका नाम शिवाजी हो, अगर समर्थ गुरु रामदास न होते
तो शिवा को कौन जान पाता। ये पहलू एक गुरु का है, लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू उठता है श्रद्धा का। श्रद्धा अगर शिष्य की नहीं है तब तो फलीभूत होती है, फलीभूत नहीं होती। वैसे आज का दिन तो ब्रह्मा जी के जन्म का भी है। ब्रह्मा जी ने गायत्री साधना के बाद जिस ज्ञान को पाया था उसको चार भागों में विभक्त किया था, वो चार वेद कहलाए। वो आज का ही दिन था। आज व्यास पूजन का दिन भी है। व्यास पूजन भी इसीलिए कहते हैं, वेद जब संस्कृत निष्ठ थे, लोगों को समझ में नहीं आए, तो उन्होंने उनको सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से पुराण रूप में प्रस्तुत किया। और व्यास उनको कहा जाता है जो आदमी स्वयं सचरित्र हो, अपनी वाणी, अपनी लेखनी और आचरण के माध्यम से लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसा व्यक्ति सद्गुरु ही हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कौन थे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, जिन्होंने अपनी वाणी, लेखनी और आचरण के द्वारा पता नहीं कितनों की जिंदगियां बदल दी, सत्पथ पर लाना शुरू कर दिया। श्रद्धा जब आगे बढ़ती है तब आदमी के जीवन का कायाकल्प कर देती है। श्रद्धा एक वो चीज़ है जिसको भौतिक जगत में अगर देखें तो जो चीज़ स्थान ऊर्जा का है, आध्यात्म जगत में वही स्थान श्रद्धा का है। श्रद्धा वो सोपान है जिस पर रखकर भावनाओं के प्रक्षेपास्त्र को अंतरिक्ष तक भेजा जा सकता है। अंतरिक्ष तक जाने वाली श्रद्धा केवल हमारे भावनाओं के माध्यम से ऊपर उठती है। श्रद्धा जब उभरती है तब मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता पैदा हो जाते हैं। मिट्टी द्रोणाचार्य की मूर्ति बनकर एकलव्य को तीरंदाजी सिखा जाती है। मीरा को पत्थर के श्री कृष्ण जहर का प्याला पी जाते हैं। ये श्रद्धा हरेक के अंदर, रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथों से रामकृष्ण परमहंस को भोजन कराया करती थी। आज भी काली यथास्थान है, लेकिन हम लोगों की श्रद्धा कहाँ है जो उस काली से हम ये कह सकें, माँ आज तेरा बेटा भूखा है, अपने हाथ से भोजन करा दे, और माँ को अवतरित होना पड़े। ये श्रद्धा हमारे अंदर से जब जागृत होती है तब आदमी निहाल होता हुआ चला जाता है। श्रद्धा के कुछ पहलू। एक बार कुछ व्यक्ति गांव के शहर जाना चाह रहे थे। रास्ते में पड़ती थी नदी। नदी के पास पहुँचे, उन्हें देखा बारिश के दिन नदी जो थी पूरे बहाव पर थी, तेजी पे थी, नाव कोई थी नहीं। पूछने लगे, आपस में बात करने लगे, भाई जाना जरूरी है, कैसे जाए। पास में एक पंडित जी थे, उनसे पूछने लगे, पंडित जी हमको नदी पार करके जाना है, कोई साधन हो तो बताओ। बोले, देख भाई साधन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है, हमारे पास एक मंत्र है जिसका जाप करोगे तब नदी पार हो जाओगे। बोले, अगर डूब गए तो? बोले, डूब गए तो ऐसा करना, आप हमारे हाथ पैर बांध के छोड़ जाओ और किसी से कह जाना हम डूबे तो इनको भी डूब देना। अब वो थोड़ा थोड़ा जाना जरूरी था, उन्हें कि अच्छा बताओ, उन्हें कि कान में बताएंगे, कोई सुन लेगा, कोई दूसरा नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने कान बता दिया। आप भी सोच रहे हो क्या मंत्र है, हमको भी मालूम पड़ जाए। वो मंत्र था राम नाम। उन्होंने कहा, बेटा सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ राम नाम लेते हुए आप निकल जाओ, रास्ते में कहीं मत देखना, आँख बंद करके पूरे भाव के साथ चले जाओ। उन्होंने आँख बंद करी, पूरे श्रद्धा के साथ राम नाम जपते हुए आधे घंटे में पूरी नदी पार कर गए। वो नदी पार कर गए, वहाँ देखने वाले एक मुस्लिम भाई भी थे। मुस्लिम भाई ने देखा कि भाई राम नाम लेके ये नदी पार कर गए। वो भागे भागे अपने मौलवी जी के पास गए। उन्होंने कहा, मौलवी जी हिंदुओं का मंत्र इतना करामाती कि बिना नाव के नदी पार कर गया, क्या आपके पास कोई नहीं है? उन्होंने कहा, हमारा मंत्र जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा मजबूत है, उनसे भी ज़्यादा बड़ा है। तो बोले, आप क्यों नहीं बताते? उन्हें बताते हैं। उन्होंने भी कान में कहा, बताना मत, क्या मन था? उन्हें कहा, बोलो खुदा, खुदा खुदा बोलो सच्चे मन से, निकल जाओगे। अब सच्चे मन से उन्होंने हाथ जोड़ के खुदा खुदा बोला, वो भी पार हो गए। लेकिन एक और तीसरा व्यक्ति वहाँ था। कैसा था तीसरा व्यक्ति? जैसे हम और आप। उनके दिमाग में एक तिकड़म चली। क्या तिकड़म चली?
कि आधा घंटे में राम नाम जपा नदी पार, आधा घंटे में खुदा खुदा बोला नदी पार, अरे इन दोनों को मिला दे तो 15 मिनट में नदी पार, दोनों का मिक्सर तैयार। उन्होंने क्या दोनों का मिक्सर तैयार किया, उन्होंने कहा मिक्सर तो तैयार है राम खुदा, लेकिन प्रयोग करने के पहले खुद को टेस्ट कर लेना चाहिए कि बात कितनी सफल होगी। अगर सफल हो गई तो दुकान अच्छी है मालामाल, और नहीं तो फिर कोई संशोधन सोचेंगे। उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया और चलना शुरू किया, राम खुदा राम खुदा राम खुदा राम खुदा किया, वो डब से डबक गए। हमारी श्रद्धा जब भाव के अनुसार नहीं होती, तिकड़म में रहती है, तब ऐसे ही डूब जाते हैं और ऐसी उपहास के पात्र बनते हैं। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के मन में बचपन से एक मन में थी वो कृष्ण भक्ति कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, कृष्ण के दर्शन करने हैं। उसकी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, फिर वो वृंदावन जा पाई, वृंदावन नहीं जा पाई। एक दिन सोचने लगी कि ऐसी एक दिन ऊपर चली जाऊँगी, कृष्ण भगवान जी यहीं रह जाएंगे, वृंदावन भी यहीं रह जाएगा, आज तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। उन्होंने कह दिया, आखिर कहा वृंदावन ले गए, वृंदावन घूम आई, वहाँ से पीतल की एक कृष्ण भगवान की बाल गोपाल की छोटी सी मूर्ति ले आई। अब कृष्ण भक्त तो थे ही सही, मूर्ति से उनको इतना लगाव कि उनको नहलाना धुलाना खिलाना प्यार करना, बच्चे की तरह से पहले लाला खाएगा, पहले कन्हैया खाएगा, बाद में हम खाएंगे, लाला दूध पी ले, लाला ठंड में ठठोर तो नहीं रहा, उड़ा रही है, रात को उठ उठ के देख रही हैं, सब काम लाला के बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह से घुल मिल गई। उनको बहुत शांति मिलती थी इस बात में। एक दिन उनकी बहू बोली, माँ जी मुझे काम से जाना है, शायद शाम को मुझे देर हो जाने में, तो आप कहें तो मैं चली जाऊँ। उनकी हाँ बेटा चली जा, पर देख ऐसा है मेरे लाला का, तू थोड़ा सा इतना सा काम कर जा, फिर मैं तुझे नहीं रोकूँगी। मैंने कहा ठीक है, इतना काम किया है ये भी कर देती हूँ। तो हड़बड़ी में तो थी सही, उन्होंने लाला को उठाया, कुछ करने के पहले लाला धड़ाम से गिर पड़े नीचे, और गिर पड़े तो अब जो बुढ़िया होती उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अरे मेरा लाला गिर गया, अरे मेरे लाला के चोट लग गई, अरे कितनी कितनी ज़ोर से रो रहा है, अरे तुमको समझ में नहीं आता, छाती से लगाया है, चिपकाने की कोशिश करें, पुचकारने की कोशिश करें, लाला चुप हो जा चुप हो, अरे कितनी चोट लगी, तमाम दुनिया भर का रोना शुरू। बेचारी बहू भी बहुत चकी, उसने बेटे से कहा अपने पति से कि माँ तो देखो एक मूर्ति गिर गई, उसके पीछे माँ के ताला बजा रही। बेटे ने भी कहा माँ पीतल की मूर्ति है, कहाँ चोट लगती है, बिल्कुल ठीक है, तुम काहे परेशान हो रही हो। बोल रही नहीं, मेरे लाला के चोट लग गई है, कितना चिल्ला रहा है, तुमको सुनाई नहीं पड़ता। अब लाला बेटा भी परेशान, मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कही भाई क्या बात है, इतने घर में क्यों रोना धोना हो रहा है। उन्होंने कही रोना धोना इस बात का हो रहा है कि पीतल की मूर्ति गिर गई, और यूँ कह रही हैं कि लाला को चोट लगी है। उनमें एक समझदार व्यक्ति थे, वो कहने लगे देख बेटा तेरी माँ तब तक चुप नहीं होगी जब तक कोई डॉक्टर आके ये ना कह दे कि लाला सही है। तो किसी डॉक्टर को बोला ये बिल्कुल चुप हो जाएगी। डॉक्टर को उन्होंने कोशिश की बुलाने की, हर डॉक्टर मना कर दे कि ये तमाशा देखने कौन आए, कौन टाइम वेस्ट करे। आखिर में उन्होंने कहा अच्छा जितनी मन मांगे फीस मांगोगे उतनी फीस दूंगा। एक डॉक्टर तैयार हो गए, आए, उन्होंने मूर्ति को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, बोले माँ जी बिल्कुल ठीक है, इनको क्या हुआ है, बिल्कुल सही है। बुढ़िया कहने लगी डॉक्टर साहब आपको सही लग रहा है, पर आपने अपने डब्बे में से कान पर सुनने वाली मशीन तो निकाली ही नहीं। अब वो डॉक्टर साहब हैरान, उन्होंने कहा बुढ़िया है तो तेज। उन्होंने अपने डब्बे में से स्टेथोस्कोप निकाला, कान पर लगाया। अब उन्होंने कहा अब नाटक तो पूरा ही करना पड़ेगा। उन्होंने फिर मूर्ति के ऊपर रखा, छाती के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़िया फिर कहते पीठ पर लगा दिया। उन्होंने कहीं छाती पर रखा, जैसे ही छाती पर रखा तो कभी वो बुढ़िया को देखते कभी मूर्ति को देखते उनके चेहरे पे पसीना आने लग गया। वो देख के बौचक का थे, एकदम किंग करते हुए विमूढ़ जैसे हो गए, समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। उनको लगा, सबने पूछा डॉक्टर साहब क्या हो गया है, उन्होंने कहा भाई जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हुआ है, मूर्ति का दिल धड़क रहा है और वो
वहाँ से अपना सारा सामान छोड़ के सीधे चल दिए। बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब आप सामान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर साहब कहने लगे, माता जी मैंने मेडिकल की पढ़ाई में इतने दिन ये पढ़ाई नहीं की थी, आज मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ जहाँ से आपने ये पढ़ाई पढ़ी है। श्रद्धा जब अवतरित होती है तब मूर्ति में प्राण फूंक देती है और लोगों को प्रत्यक्ष उदाहरण देती है। गुरुदेव कहा करते थे, मैं आप जो भी कुछ देखते हैं, आज कोई संत कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई तपोनिष्ठ कहता है, सब तरह के लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए आगे बढ़ता रहा हूँ। मेरी श्रद्धा मेरी गुरु के चरणों में आरोपित रही है, मेरा भगवान मेरा इष्ट मेरा आराध्य, मेरी पूजा स्थली में मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। मेरा भगवान वो नहीं जो चैन की बंसी बजाए मोर मुकुट लगाए रहता है, मेरा भगवान वो है जिसके तन ढकने को कपड़ा नहीं है, जिसके बाल संवारने को कंघा नहीं, जिसके बाल फैले हुए, वो दरिद्र नारायण मेरा देवता है। और मैंने इस दरिद्र नारायण के चरणों में अपनी श्रद्धा आरोपित की है, हर पल उसके लिए जिया हूँ, हर पल उसी की साधना की है। ये श्रद्धा उनको ज़िंदगी में बढ़ाती रही और बोले, हमने अपनी श्रद्धा के लिए अपने आप की रोज़ परीक्षा दी है, कहीं लोभ के झोंके, कहीं मोह के झोंके, कहीं अहंता के झोंके हमको बहा के तो नहीं ले जा रहे। हमने हर पल अपना इम्तहान दिया है। 17 साल तक अखंड ज्योति में बिजली नहीं थी, मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे उन्होंने काम किया, 2 बजे से साधना करने से लेकर लेखन स्वाध्याय सब काम करते रहे, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे उमस हो, चाहे लू हो, लेकिन उनके सिद्धांतों में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। वो लगातार लगे रहे मकान मालिक से, किसी बात पे थोड़ा वो हो गया था विरोध तो उनके करेक्शन पे साइन नहीं करेंगे, तो बिजली 17 साल तक मिली नहीं थी। हम लोग भी छोटे थे तो हम भी लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे, हमारे सामने बिजली आई थी। बाद में श्रद्धा आगे उन्होंने अपनी पैतृक जमीन जितनी थी वो सब समाज के लिए दे दी। आंवलखेड़ा गांव में लड़कों का विद्यालय नहीं था, गुरुदेव जब पढ़ने जाते थे तो साइकिल पे जाया करते थे दूर, तो बोले जब हम साधन संपन्न थे, हम साइकिल खरीद सकते थे तो हम जा सकते थे, लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है वो क्या करेंगे? तो उनके लिए गांव में ही लड़कों का विद्यालय, लड़कियों का विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ, स्वावलंबन विद्यालय, ये सारी चीज़ गांव के गांव में, उन्होंने सारी संपत्ति वहीं लगा दी, अपने लिए रखा, कुछ अपने लिए नहीं रखा। माता जी के जेवर तपोभूमि के लिए दान कर दिए गए। तपोभूमि के निर्माण में ये प्रश्न आ रहा था कि अब तपोभूमि की जमीन तो खरीद ली गई लेकिन अब निर्माण कार्य कैसे होगा? उन्होंने कहा किससे मांगने जाऊँ, एक सच्चा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिया है, पहली आहुति घर से ही जानी चाहिए। माता जी कहने लगी, परेशान क्यों होते, वो जेवर ले आई, उनके जेवर आपके हाथ में है। गुरुदेव कहने लगे, लोग ये तो नहीं कहेंगे अपना तो कुछ था नहीं, स्त्री धन था वो भी दाव पे लगा दिया। तुम्हारे मन में कभी ये भाव आ सकता है कि ये मेरा स्त्री धन था, मेरे मायके का था, मेरे ससुराल का था, ये चला गया? बोले मेरे सबसे बड़ा धन आप मौजूद हैं, मुझे बाकी धन की ज़रूरत क्या है? वो सारे जेवर तपोभूमि के लिए दान चले गए। माता जी एक सच्चे शिष्य की तरह से गुरुदेव के आदेशों का अनुसरण करती रही, जो भी गुरुदेव ने कहा वो आँख बंद करके पालन करती रही। गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला ही नहीं, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को आगे बढ़ना बताया, कदम से कदम बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहन दिया। जितने भी अश्वमेध हुए वो इस बात के साक्षी हैं कि प्रथम कदम माता जी ने बढ़ाया, साथ में अपने बच्चों को साथ ही, बच्चों चलो तो सही, बच्चों का पुरुषार्थ, उनके हौसले, उनकी हिम्मत, माता जी का संरक्षण, हमारे अश्वमेधों की सफलता की कहानी आज भी कहते हैं। इस मिशन को भावनाशीलों ने सींचा है, वो लोग जिन्होंने अपना दिन देखा न रात देखी, जब भी गुरु का आह्वान आया
अपना सब कुछ दांव पे लगा कर दौड़े चले आए और हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहे, बिना अपने त्याग के किसी मूल्य की चाह ना किए बगैर। ऐसे लोगों का ये मिशन हमेशा ऋणी रहेगा। श्रद्धा जब उभर के आती है तब बूढ़े हारे थके जटायु के अंदर वो शक्ति बढ़ जाती है कि वो महाबली रावण से सीता को बचाने के लिए टकरा जाते हैं। रीछ बानर साधनहीन होने के बाद भी पत्थरों और लकड़ी के पेड़ों के सहारे वो रावण की सेना से जूझ पड़ते हैं, समुद्र में पुल बांध देते हैं और लंका को फूंक आते हैं। शबरी जिसके पास कुछ नहीं था अपने श्रद्धा के बेग लेकर संचित राम के चरणों में पहुंच जाती है। हे राम, ये मेरी जीवन भर की कमाई मेरे पास कुछ नहीं सिवाय बेरों के, पर मेरी श्रद्धा है आपके चरणों में अर्पित है। इस श्रद्धा ने, इन भावनाओं ने मिशन को जीवंत रखा है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व, त्याग और बलिदान का पर्व, जिसमें गुरु निष्ठा पर शिष्य ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। संत माधवदास हिमालय की कन्दराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में साधना किया करते थे और बड़े साधक थे, तांत्रिक भी थे, सब बात थी। एक दिन तेग बहादुर जी ने उनसे कहा, संत माधवदास जी, क्या लोगों की पीड़ा, मुगल साम्राज्य का आतंक आपको दिखाई नहीं पड़ता? जो आँख बंद करे बैठे हैं, क्या आपको उनकी कराह, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे वो सुनाई नहीं पड़ते? संत माधवदास उठ खड़े हुए, अपने नए रूप में बंदा बैरागी बनकर और मुगलों के ऊपर टूट पड़े गुरु आदेश के ऊपर, और तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर की बोटी बोटी नहीं छीन दी गई, तो उन्होंने उफ तक नहीं की। पंच प्यारों ने अपना रक्त बहाने में भी कभी कसर नहीं छोड़ी, उफ तक नहीं की। ये मिशन ऐसे ही लोगों का ऋणी रहा है। आरुणी छोटा बालक था, गुरु ने कहा, बेटा जरा देख के आना, बारिश हो रही है, कि मेड़ पे से पानी अंदर ना आ जाए। बालक चला गया, जाड़े की रात थी, मेड़ बांधने की कोशिश करी, बच्चे से मेड़ बंधी नहीं। उन्हें कहा, अब क्या करूं, खुद ही चट्टान की तरह से मेड़ पर लेट गया, ये सोचकर मेरे गुरुद्वारे पे, मेरे गुरु आश्रम में कहीं पानी ना भर जाए, और रात भर उस पानी में पड़ा रहा। सुबह जब धौम्य ऋषि आए, उन्होंने आरुणी को लेटे देखा तो कहा, बेटा छाती से लगाया, मेरी सारी विद्या आज से मैं तुम्हें देता हूँ। गुरुदेव के अनुदानों के ऋणी शिष्य हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा के बल पर उनको अनुदान मिल सकते हैं, लेकिन आज हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। ओम शांति।